कल के रिजल्ट में बहुतों का नहीं हुआ ना, समझ सकता हूँ यार तुम्हारा दर्द। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका IBPS PO प्री और SBI PO प्री भी निकल गया, लेकिन IBPS क्लर्क प्री नहीं निकला। तो ऐसा पॉसिबल है क्योंकि IBPS क्लर्क में ज़्यादा बच्चे बैठते हैं और कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो आप ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते IBPS क्लर्क एग्जाम को लेके ना। आई टोटली अंडरस्टैंड योर पेन, जिनका कुछ भी नहीं निकला है, बहुत ज़्यादा सिंपथी है आपके साथ, लेकिन सिंपथी लीजिएगा मत, बहुत गंदी आदत है सिंपथी लेना। और डोंट वॉच दीज वीडियोज जो आपको सिंपथी दे रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा में, खुले दिल से। तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रेवेंस पोर्टल पर जाइए, आपको लगता है अनफेयर रिजल्ट है, नॉर्मलाइजेशन ब्लंडर हुआ है, आप प्लीज़ जाइए ग्रेवेंस पोर्टल पर, आप वही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड IBPS अगर सुनता है तो प्लीज़ वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। और हाँ, आप ज़्यादा निराश होइए मत, बहुत सारे एग्जाम है यार, पढ़िए, बस अपना वक्त पढ़ने में ज़्यादा बिताएंगे तो ये लूप होल्स ना कहीं टच भी नहीं कर पाएंगे आपको। मेरी बात समझिए, मेरी बात पे गौर दीजिएगा, अगर पढ़ेंगे इस वक्त में, जिस वक्त में आप ये सब वीडियोस देख रहे हैं, इन सब एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहे हैं, तो आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि यार इतना काबू नहीं है आपका, यार आपका काबू नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, ट्विटर कैंपेन्स कर लेंगे, लोगों से बातें कर लेंगे, वीडियोज़ देख लेंगे, क्या हो जाएगा, 10 दिन बाद मेंस है यार, हो जाएगा, मेंस का एडमिट कार्ड भी आ गया, क्या कर लोगे। तो पढ़ाई करने बैठो, पढ़ाई करते रहो, और इतनी पढ़ाई करो कि दरवाज़ा तोड़ के घुसो उस जॉब में, ठीक है। और मैं बता दूँ, पर्सनली RRB PO प्री का रिजल्ट आया था ना, तब मेरी भी यही हालत हुई थी, 0.75 से मिस किया था। और क्यों किया था, क्योंकि 70 सीटें दिखाई गई थी नोटिफिकेशन में, और BOB वाले स्पॉन्सर्ड बैंक ने विड्रॉ कर लिया अपनी सारी वैकेंसीज, 30 बची, 30 जनरल कैटेगरी के लिए 30, मैं राजस्थान से हूँ। तो बहुत दुख होता है ना ऐसे, जब आपके साथ यू फील चीटेड, तो कोई बात नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं मचाया था, मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और SBI क्लर्क क्लियर किया। तो आप भी वैसे ही करिए, धैर्य रखिए, पढ़िए, और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बाय।